नथिंग फ़ोन टू। हाँ गईज, यहाँ पे नथिंग फ़ोन टू फाइनली आप लोगों को पता है 11 जुलाई को यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने नहीं किया आज का वीडियो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी अगर नथिंग फ़ोन टू से, तो वो वाली एक्सपेक्टेशन तो ना यहाँ पर इतनी आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्या की ना नथिंग ने जो उसको फुलफ़िल नहीं किया है। और मुझे लगता है नथिंग फ़ोन टू में ना ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो बात करते हैं उसके बारे में, स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले मैं आता हूँ। तो मैं बात करता हूँ अगर इस फोन के यहाँ पर बिल्ड डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर इस फोन का बिल्ड डिज़ाइन वो प्रीमियम है, मगर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप लोग कंपेयर करते हो उसको फर्स्ट से सेकंड में जाओगे ना, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक्सट्रीम चेंजेस आपको नहीं मिलते। आप कह सकते हैं लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 19-20 का फ़र्क है, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको चेंज नहीं मिलेगा। तो डिज़ाइन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसा, तो वो नहीं है, ठीक है। पीछे की जो लाइट्स हैं उसमें थोड़ा सा लोगों ने एंगल चेंज कर दिया है, कलर बदला है, तो ये चीज़ें बदली हैं, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन तो वैसे ही है। बहुत अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ। डिस्प्ले बात करता हूँ, 6.7 इंच का एमोलेड पैनल है, फुल एच डी डिस्प्ले है, सेंटर पंच होल है, 1 रेड भी है, इन डिस्प्ले में सेंसर भी है, तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। बस आई थिंक मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर ये लोग कर्व पैनल का इस्तेमाल करते तो और बेटर काम हो सकता था, बट बिकॉज आप लोगों को पता है हर ब्रांड सब कुछ नहीं सुनता है कंज्यूमर की, अगर कंज्यूमर की सब बात सुन ली जाए तो फिर तो क्या बात हो जाए ना, तो वही बात है। तो यहाँ पर कर्व पैनल नहीं मिला है। बात करते हैं हमारे चिपसेट के बारे में। चिपसेट यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है बहुत अच्छा, स्नैपड्रैगन का 8 वर्जन। आप लोगों को पता है ये जो चिपसेट है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पिछले बार जो है लोगों ने बहुत अच्छे चिपसेट यूज़ किया, इस बार भी अच्छे चिपसेट यूज़ किया है। हैवी गेमिंग, हैवी टास्किंग में कोई इशू आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने। देन कैमरा से बात करता हूँ, मेन कैमरा आपको 50 पिक्सल का देखने मिलता है, और अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा 50 पिक्सल का। एक और जो मेन सेंसर है वो f1.9 एपर्चर का है, और बहुत अच्छा लेंस है। एक और जो मैंने बताया अल्ट्रा वाइड 50 पिक्सल का, उसमें EIS का सपोर्ट दिया गया है, उसमें OIS नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम मिल सकता है, बट अच्छा कैमरा है, ठीक है। सेल्फी बात करता हूँ, 30 पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से भी 4K कर पाओगे, इससे भी 4K कर पाओगे, तो ये बहुत अच्छा काम किया लोगों ने। बैटरी बात करता हूँ, तो बैटरी पिछले बार 4.5 mAh की बैटरी दी गई थी, इस बार आपको 4700 mAh की बैटरी दी गई है, प्लस टाइप सी 66 या 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने मिल जाता है, मतलब रिवर्स चार्जिंग आप लोग जानते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन में मिलता भी है कि टाइप सी आप लोग यहाँ पर मोबाइल टू मोबाइल चार्ज कर सकते हो, बढ़िया बात है। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, तो वायरलेस करते हो चार्जिंग तो अच्छा है। UI में एंड्रॉयड 13 आउट द बॉक्स होगा, एंड नथिंग UI के साथ ही आपको मिलेगा। ये है पूरा यहाँ पे नथिंग फ़ोन। कमेंट करके बताओ कैसा लगा, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन मुझे लगी इस फ़ोन की, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन के अंदर देखने मिल जाती हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली बात करता हूँ प्राइस लॉन्च के बारे में, और उसकी जो और भी फीचर्स उसकी बात बता दूँ। जैसे रियर में आप लोगों को जो इसका पीछे साइड में आप लोग जाओगे तो आप लोग बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब यार वॉल्यूम अप एंड डाउन का भी आप देखो तो ऐसे लाइट अप एंड ऐसे होती है, देन आप चार्जिंग बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग फ़ोन खरीदोगे आप कभी अगर हैंड्स ऑन करोगे तो आपको पता चल जाएगी। फाइनली प्राइस की बात करता हूँ, तो अराउंड 35,000 रुपीज़ की प्राइस कही जा रही हो सकती है इंडियन मार्केट में, 35,000 स्टार्ट होगा आई थिंक, फिर आगे वेरिएंट भी जाएंगे इसके। तो कमेंट कर बताओ कि लोगे कि नहीं लोगे। मेरे हिसाब से तो यार अच्छी डील है, मतलब अगर लेना चाहते हो तो, एंड और अगर थोड़ा कम प्राइस कर देते तो और बेटर हो सकता था, 30,000 रुपये करीब। और फाइनली बात करते हैं, 11 तारीख को लॉन्च हो गया, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं, क्या कुछ ही दिन ही है बस, कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट थोड़ा प्राइस अगर बाद में लोगे तो कम कट मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। यार ये दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पता नहीं पहली वीडियो मैंने बनाई तो मैंने अभी जाके देखा उसमें, तो भाई उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुई वो वीडियो, मतलब 1 मिनट वाला क्लिप बस हुआ है, और सब तो मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया। बट चलिए इस बात पर तो एक लाइक बनता है आप लोग के लिए, जो भी मेहनत कर रहे हैं, बस इतना रखता हूँ। एंटेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो उसे कर लीजिए।